इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयां। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में अब यूथ कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन में मशाल रैली निकालकर बेरोजगार युवाओं पर हुई FIR निरस्त करने की भी मांग की है। बेरोजगार युवाओं पर दर्ज हुई FIR निरस्त करने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस आगे आई है। बेरोजगार युवाओं का समर्थन करते हुए यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़वानी में मशाल रैली निकाली। यूथ कांग्रेस ने महामहिम राज्यपाल के नाम TI राजेश यादव को एक ज्ञापन भी दिया है। विगत 23 तारीख को बेरोजगार युवा संगठन द्वारा यहाँ पर बड़वानी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था रोजगार के मुद्दे को लेकर, और इस संबंध में कलेक्टर द्वारा या बड़वानी प्रशासन द्वारा जिस तरह से उन युवाओं पर FIR की गई है और उसकी निरस्त करने की मांग को लेकर हमने राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया बड़वानी दौरे पर आकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मशाल रैली निकालने वाले थे, लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ही रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आदित्य गोयल ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया बड़वानी जरूर आएंगे। विगत दिनों जो युवाओं द्वारा जो बेरोजगारी के लिए जो मांग की गई थी उनके खिलाफ जो गलत FIR की गई है उस FIR को वापस लेने की मांग करते हुए और उस बेरोजगार जो युवा जो अपने हक का जो मांग रहे थे उनके उपलक्ष्य में हमने मशाल रैली निकाली। निराशा तो नहीं चाहिए कार्यकर्ताओं में, लेकिन एक कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए कर्फ्यू जो 10 बजे होने वाला है और वो बड़वानी जरूर आएंगे, लेकिन जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो 10 बजे बाद जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ था वो जो कि लेट हो रहा था, इसलिए हमने हमारे जिला स्तर पे उस प्रोग्राम को भैया के आदेश अनुसार किया है जो कि उनके हम आने का रास्ता देखेंगे। इधर TI राजेश यादव का कहना है कि यूथ कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं पर दर्ज हुई FIR को निरस्त करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। ये युवा कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन दिया गया है माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित है। इसमें जो अभी थाना बड़वानी में जो अभी रोजगार बेरोजगार युवकों के द्वारा जो सुमेर सिंह बड़ोला के नेतृत्व में रैली निकाली गई थी और उसमें FIR दर्ज हुई थी, उसमें दिया है कि ये प्रकरण वापस लिया जाए, तो ज्ञापन ले लिया गया है। देखा जाए तो बेरोजगार युवाओं पर दर्ज हुई FIR ने अब सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। MP News के लिए तरुण जैमन की रिपोर्ट, बड़वानी।